जी विवर, ये देखिए हम बाथू अपना उबाल चुके हैं और हम बाथू गोश्त बना रहे हैं। ये उबल चुका है हमारा, हमने उबाल लिया था। ये हमारे पास गोश्त है एक 1.5 पाव, और ये 1 अदद लहसुन है, और लहसुन का वो है गिरा, और ये प्याज है। जी चलें विवर, जी सबसे ऐसे पहले हम अपना गोश्त को पैन रखते पकाने हैं का चूल्हे प्रोसेस पे। करते हैं, फिर उसमें बाद उसके बाद इसमें हम गोश्त डालते हैं। इसमें डालते हैं हम पानी अपना, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब वो इसमें हम डालते हैं अब लहसुन प्याज और ये लहसुन और बाकी अदरक हम साथ साथ डालते चलते हैं। चलें जी थोड़ा इसको पकने देते हैं और इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा और। डालो पानी। चलें व्यूअर, हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून नमक डाल चुके हैं, और ये हम टमाटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये गलता है तो हम अपने दूसरे काम करते हैं। चलें व्यूअर, खोल के देखते हैं जी। ज़बरदस्त, हमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालते हैं अपना, ये 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसको भूनते हैं और फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भूनेंगे, और दही डाल के जी फिर भाई, हम ये इसमें अपना हमारे बाथू पास है डालेंगे। लहसुन अदरक का चलेंगे पेस्ट इसको भूनते हैं। जो हम डाल दिया हमने इसको भूनने के लिए, और इसमें इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे लहसुन अदरक को, तो इसमें फिर हम इसमें अपना वो डालेंगे दही। ये हमने डाल दिए 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून जो है दही डाल दी है। तो इसको हम भूनेंगे खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ देगी, साथ लहसुन अदरक भी भूनेगा। तो थोड़ी देर भूनते हैं, फिर इसके अंदर जो हमने बाथू चलिए उबाला व्यूवर, है फिर देखिए वो ये हमारा डालते हैं। मसाला चलें भून जी गया है भूनते हैं। ज़बरदस्त सा। तो अब हम इसमें जो है अपने बाथू डालेंगे और फिर जी इसको व्यूवर, थोड़ी ये देर हमारा दम पे बाथू भून पकने छोड़ देंगे। हमने डाल दिया। इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे फिर इसको हम दम पे रख देंगे पकने के लिए। ओके जी, तैयार। जब तक हम भूनते हैं फिर दम पे रखते हैं, और फिर उसके बाद इसकी सर्विंग भी करेंगे। चलें एक बार खोल के देखते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हमारा बाथू गोश्त तैयार है। तो चलें जी इसको सर्व करते हैं।